सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ऑटो ऑन ऑफ एलईडी बल्ब कैसे बनाएं। यानी कि आपका एलईडी बल्ब हो या ट्यूब लाइट हो या आपका फ्लोड लाइट हो या 100 वाट की बल्ब हो, ये जो 100 वाट की बल्ब होती है इसको भी आप ऑटो ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये रहता है, धूप निकलते ही यानी कि दिन होते ही आपकी बल्ब ऑफ हो जाएगी। अब धूप निकलने की ये मैं नहीं बोलूँगा कि धूप निकलेगी तभी बल्ब ऑफ होगी, नहीं, ओनली दिन होगी आपकी बल्ब ऑफ हो जाएगी, रात होगी ऑटोमेटिक ही आपकी बल्ब जल उठेगी। तो उसका क्या होगी, सारी की सारी प्रक्रिया इस वीडियो से मिलने वाली है आपको। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो गाइस, मेरा नाम प्रिंस तिवारी, आप देख रहे हैं सीखो इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। सो मेरे भाई, मैं इस तरह की वीडियो नहीं देता हूँ, लेकिन मतलब कि मैं बैठे बैठे था तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे कुछ कंपोनेंट बनाए जाए जिससे कि हमारी बल्ब ऑटोमेटिक ही ऑन ऑफ हो जाए। तो मैंने मात्र 3 ऐसे कंपोनेंट लगाए हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे 3 कंपोनेंट हैं जिससे कि मैंने बल्ब को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ बना चुका हूँ। सो फाइनल, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो गाइस, मेरा नाम प्रिंस तिवारी, आप देख रहे हैं सीखो इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। समर भाई, चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार इसको कैसे कनेक्शन की जाती है और कौन कौन से इसमें मैंने मतलब इसमें कौन कौन से उपकरण लगाए हुए हैं, रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर कौन कौन से इसमें यूज़ किए हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सुमर भाई, वीडियो में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इसको कैसे कनेक्शन की जाती है और कौन कौन से नंबर के ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस और क्या क्या चीज़ इसमें लगाई रहती है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे पास ये एलईडी बल्ब है। तो मैंने एलडीआर में मतलब कि सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ जानकारी दे दूं, तो मैंने एक इसमें यूज़ किए हैं इस तरह के एलडीआर जो कि आपको ऑलरेडी मार्केट में मिल जाती है। एलडीआर कुछ इस तरह के आपको एलडीआर मिल जाती है जो कि मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है। इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो बहुत ही बेहद कम आती है। उसके साथ साथ मैंने एक इसमें यूज़ किया है ट्रांजिस्टर जो कि आपको BD-139 का होगा, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा BD-139 का होगा ट्रांजिस्टर ये वाला। आपको BT-139 नहीं यूज करना है, BD-139 यूज करना है। ओके, अब ये हो गई रेजिस्टेंस और ये हो गई ट्रांजिस्टर। और उसके बाद में हमने इसमें यूज़ किया है एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने जो कि बताया आपको 150 किलो ओम्स की है, जो कि आपको रेजिस्टेंस कलर कोडिंग से भी आप मैच कराएंगे तो 150 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस ही निकल के आएगी। अब फाइनल इसकी होती है इसकी कनेक्शन, यानी कि इसकी कनेक्शन कैसे की जाती है। तो मैंने इस कनेक्शन को बल्ब के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे ही बता दे रहा हूँ। तो आपको इसके लिए आपको क्या करनी होगी, एक आपको ओनली ये माइनस का हिस्सा ओपन करना होगा। जैसे मैंने आपको सारे के सारे उपकरण का नाम तो मैं लिख करके और बता ही चुका हूँ कि BD-139 का आपको ट्रांजिस्टर लेना है, एक ठो आपको LDR लेनी है और एक ठो आपको 150 किलो ओम्स का रजिस्टर लेना है। अब आपको बल्ब की कनेक्शन करने के लिए बल्ब के ऊपर ही फिटिंग हो जाती है, तो इसलिए आपको बल्ब ये मैं सबसे पहले ये आपको जलती हुई बल्ब लेनी है कोई भी। तो ये हमारी बल्ब जल रही है तो इसमें से मैंने माइनस वाला हिस्सा को ओपन कर चुका हूँ। अब ट्रांजिस्टर को लेकर के ये जो बीच वाली इसकी ट्रांजिस्टर के बीच वाले हिस्से है ये बल्ब के माइनस वाले हिस्से पे जुड़नी है, यानी कि ये वाली नहीं बल्ब के माइनस वाले। उससे पहले ट्रांजिस्टर के जो फर्स्ट वाली लेग है इस साइड से, इस पर आपको पहले माइनस का लेग इसमें कनेक्ट कर देनी होगी। ऐसे ये हो गई कनेक्टिंग। अब आपको ये वाली ये बीच वाली जो इसके ट्रांजिस्टर की जो बीच वाली लेग होगी उसको माइनस में कनेक्ट कर देनी होगी। ट्रांजिस्टर के एक हिस्से को आपको माइनस में कनेक्ट कर देना होगा ऐसे, और जो मतलब कि आपके ड्राइवर से जो करंट निकल के आ रही है माइनस की, वो आपको ट्रांजिस्टर के फर्स्ट नंबर पिन पे कनेक्ट कर देना होगा। अब आपको LDR लेनी होगी, तो LDR से पहले आपको रेजिस्टर ऐड करनी होगी। तो रेजिस्टेंस को आपको कहाँ ऐड करना होगा, आपको प्लस वाले पे रेजिस्टेंस का एक हिस्सा ऐड कर देना होगा और दूसरा हिस्सा आपने जो मतलब ट्रांजिस्टर का एक हिस्सा ये छोड़ रखा है वहाँ पर आपको इसको ऐड कर देनी होगी। ऐसे रेजिस्टेंस भी जुड़ गई। अब आपको LDR लेनी होगी, तो LDR आपको रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर के एक सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट वाले पे हिस्से पे जोड़नी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि LDR को सबसे फर्स्ट और लास्ट वाले हिस्से पे जोड़नी होगी। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको इसको दिखा दूँ, तो आपको मतलब इसकी LDR के जो ट्रांजिस्टर का होगा मेन वाला आपका डायरेक्टली माइनस के PVC के माइनस पे चला जाएगा और जो मदरबोर्ड से जो इसकी माइनस आ रही है वो आपके ट्रांजिस्टर के फर्स्ट नंबर लेग पे चली जाएगी। रेजिस्टेंस को आपको प्लस से लेकर के ट्रांजिस्टर के एक नंबर हिस्से पे और LDR को ऐसे कनेक्शन कर देनी होगी। अब ये हमारी हो गई है सेक्शन रेडी। अब इसको आपको जिस साइड से मर्जी करे उस साइड इसको फोल्डिंग कर करके रख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसको इस साइड ले रहा हूँ। आप इसको कैप को बंद कर लेने होगी, थोड़ी सी इसमें जगह होल काट ले ताकि LDR अच्छे से पासिंग हो पाए। ये हो गई है हमारी फिक्स। अब इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ सप्लाई एक बल्ब। ये जैसे अभी लाइट है हमारे पास, मतलब कि अंधेरे है तो अभी ये जल रही है। अब जैसे ही मैं इस LDR पे आपको कनेक्शन करूँगा सप्लाई मतलब एक अलग से बल्ब जलाऊँगा तो ये ऑटोमेटिक ही आपकी बुझ जाएगी। तो ये हमारी बल्ब अभी जल रही है
और एक बल्ब, ये मैंने साइड से ले लिया हूँ एक बल्ब। और जैसे ही इसकी एलडीआर पे इसका कनेक्शन जा रही है, यानी कि हमारी ये एलडीआर इसकी जो मैं यहाँ पे लगाया हूँ इस एलडीआर पे, इसका जैसे ही इस लाइट को जा रहा है तो आप देख रहे होंगे कि हमारी ये वाली बल्ब बुझ जा रही है, मतलब कि बंद हो जा रही है। जैसे इसकी कनेक्शन हट रही है तो हमारी बल्ब अब जलने जल रही है। तो ये जैसे ही यहाँ पर कनेक्शन आ रही है तो बुझ जा रही है और अब जलने लग रही है। सो फाइनल मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। तो अगर किसी भी तरह की इसमें त्रुटि लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी तरह की दिक्कत लगी है तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिख रही है ना, फॉलो करके डायरेक्टली मैसेज में बात भी कर सकते हैं। सो फाइनल मिलता है नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस, बाय बाय।